खबर अंबिकापुर से है, जहां उदयपुर परसा खेते में पेड़ों को बचाने राजस्थान राज्य विद्युत निगम ने पेड़ों की शिफ्टिंग शुरू कर दी है, जिससे पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। 10,000 से अधिक पेड़ों को ट्रांसप्लांटर मशीन से शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने 9 लाख से अधिक पेड़ों को लगाकर मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया है, जहां 45 प्रकार के पेड़ उगाए गए हैं। कहा जाता है यहाँ कई प्रकार के औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। अभी तक तो हम लोग अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 लाख से ज्यादा हम लोग मशीन से हम लोग 9,000 हम लोग लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। अभी कैसे हैं? अभी मतलब अभी ग्राउंड लेवल वो कैसे हैं? उसका ग्राउंड लेवल तो बहुत ही अच्छा हम लोग को मिलता है और 95% हम लोग को रिकवर मिलता है, इसलिए हम लोग वो मशीन से ही हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ लगभग हम 10 वर्षों से 60 से 70,000 साल के पेड़ प्लांटेशन किए हैं। इन पौधों को हम अपने नर्सरी में यहाँ खुद तैयार किए हैं। जैसे कि लोगों में एक अफवाह है कि साल का पेड़ प्राकृतिक होता है, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि साल का पेड़ तो जो पौधा है हम यहाँ खुद अपने नर्सरी में तैयार करते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे। और जो पेड़ हम लगाए हैं ये लगभग 8 से 10 साल पुराने हैं, जो लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा हो चुके हैं। अभी तो बहुत घनघोर हो गई से, पहले यहाँ आ रहे हैं, पहले पेड़ रहे तो काट के फिर अभी पेड़ लगा जाते हैं ना। कोयला निकालते हैं पहले? हाँ, कोयला निकालते हैं। पता चले कि यहाँ पे कोयला निकली? नहीं पता नहीं चले, बहुत घना है ना जंगल है, तो पता नहीं चले कि नहीं कोयला निकाली नहीं यहाँ से। अच्छा, कोयला निकाल के फिर पेड़ लगाते हैं? हाँ, पेड़ लगाते।